वर्धा जिले की सीमा के तहत उपेक्षित तड़गांव के सैकड़ों किसानों को जीवित रहने के लिए हर दिन मौत से जूझना पड़ता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। गांव के उत्तर में लाल नाला को पार करने के लिए किसानों ने बांस का पुल बनाया। इस पुल पर फिलहाल 150 किसान जानलेवा यात्रा कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के किसान आजादी के बाद से ही ये संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस समस्या से मुंह मोड़ लिया है। ग्रामीणों का कहने का समय आ गया है कि पैसा कहा गया, नेता कहा है, जिसके बाद तालुके के नाम पर लाल नाला परियोजना का नाम रखा गया है। ये नाला उसी परियोजना का उद्गम है। तड़गांव गांव नागपुर और चंद्रपुर जिलों की सीमा पर जंगल में स्थित है। इस गांव के किसानों की कृषि भूमि नागपुर और चंद्रपुर जिले से सटी हुई है, और चूंकि गांव के उत्तर में 150 किसानों के पास कृषि भूमि है, इसलिए उन्हें लाल नाला से होकर जाना पड़ता है। इस नाले से नियमित रूप से बाढ़ आने से किसान के सामने जल निकासी की समस्या खड़ी हो गई है। बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हो गई। इससे निजात पाने के लिए तड़गांव के किसानों को सड़क जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सैकड़ों किसानों ने बांस का पुल बनाकर ये यात्रा शुरू कर दी है। मी वारंवार शासनाकडे 14 पासून मागणी केली आहे या शिडी पुलाची लोखंडी, कारण पावसाळ्यात 100 ते 150 कास्तकारांना येण्या जाण्यासाठी मार्ग नाही आहे। इकडे पलीकडे शेतात जाण्यासाठी किंवा आपल्या झमकुली मार्ग आहे इकडे जाण्यासाठी, त्यांनासुद्धा मार्ग नाही आहे, आणि हाच मार्ग एक केवळ आहे। आणि त्या माध्यमातून पुलाची मागणी केली आम्ही 15 साली, तेव्हापासून आपण शासनाकडे वारंवार निवेदनं दिले, पत्राद्वारे माहिती दिली, तरी प्रशासनाने यावर कोणती दखल घेतली नाही। आणि ह्या दरवर्षी याच पद्धतीत शिडीच्या माध्यमातून हे इकडले जाणेवाले कास्तकार सगळे याच पद्धतीत येणं जाणं करतात। कदाचित यदा कदाचित पावसाळ्यात धोका होण्याची शक्यता असते, तरी पण त्या धोक्यातून सुद्धा सावर ते आपल्या जीव धोक्यात घालून सुद्धा या शिडीवर इकडे तिकडे येणं जाणं करतात। आणि शेतकरी आणि शेतमजूर येणं जाणं करतात, आणि आपला जीव धोक्यात घालून ते अशी इकडले कास्तकार किंवा प्रवासी झमकलेले जाणेवाले प्रवासी सुद्धा या शिडीवरून येणं जाणं करतात, आणि आपल्या जीव धोक्यात घालून ते जातात। आणि अशी मागणी मी वारंवार आपल्या प्रशासनाकडे केले, तरी त्यांनी कोणताच पाठपुरावा न करता केला, आणि प्रशासन इथं येऊन सुद्धा त्यांना बघितलं नाही। अशी विनंती करतो प्रशासनाला की त्यांनी या मोका चौकशी करून यावं, आणि आमच्या निवेदनाला त्यांनी मान्यता द्यावी। संबंधित प्रशासनाला वारंवार तक्रार केली होती आणि या संबंधात कळवलं होतं, परंतु या विषयावरती मला वाटतं साधारणतः 5 वर्षामध्ये अजूनही कुठल्याच व्यक्तीने दखल घेतलेली नाही। या ठिकाणी आपण जो पूल बघत आहो, तिथे रोज साधारणतः 100 ते 150 शेतमजूर शेतकरी हा प्रवास आपला जीव धोक्यात घेऊन प्रवास करत असतात। एखाद्याचा नकळत दुर्दैवाने जर एखाद्याचा मृत्यू झाला किंवा तो जर या पुरामध्ये पुलावरून जर पुरामध्ये पडला तर एखाद्याचा जीव जाऊ शकतो। ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन शासनाने ह्या सगळ्या गोष्टी दखल घ्यावी एवढीच मी या समस्त ताडगाव ग्रामवासियांतर्फे मागणी करतो, आणि आमचं प्रशासनाने म्हणणं ऐकून घ्यावं व लवकरात लवकर जमेल त्या स्वरूपात पुलाची मागणी ही आमच्या ग्रामस्थांतर्फे स्वीकारावी ही विनंती। धन्यवाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।